आज जेड़े छोटे वीर ने त्रै अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सज्जाद भाई। सज्जाद भाई क्या हाल है? ठीक हो खरीयत है? सेहत भी तो ठीक ने खरा आफियत जी। बिल्कुल सज्जाद भाई, कोई शक नहीं। जनाब अमर नज़ीर साहब माशाल्लाह हैदरी क्रिकेट क्लब दे पुराने और बहुत ही अच्छे मानात ओपनर प्लेयर सन जनाब। उन्होंने खेलने का काफ़ी मौका मिले जनाब। उन्होंने दौर में क्रिकेट असं तो उस जूनियर से उन्होंने बिल्कुल ही जूनियर से बल्कि क्रिकेट समझ लो सीख रहे थे। ते उस वक्त अमर साहब जनाब ओपनिंग करते होंगे सन हैदरी क्रिकेट क्लब की। तो उस दौर में 16-16 20-20 ओवर के मैच होंगे ज़्यादा 20-20 या 16-16 ओवर तकरीबन होंगे मैच। तो उस दौर में जनाब जी क्रिकेट भी इन्नी होंगी सी स्लो इन्नी कि 5-6 ओवर कहना जी तुम 5-6 ओवर जी विकेट डकनी है विकेट नहीं जानी चाहिए है। तो उस दौर में जनाब जी विकेट तो खिलोते होंगे सन अमर साहब, क्या बात है। तो बाकी बहुत ही अच्छे इंसान ने जनाब जी, बड़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है, बहुत शरीफ। तो अल्लाह तला उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती देवे जनाब जी। उन्होंने क्रिकेट हैदरी क्लब में बहुत ही मुहब्बत से बड़ा टाइम कढ़ते होंगे सन। तो क्या ही बात है जनाब, असं जनाब उन्होंने खराजे तहसीन पेश करने हैं। हूँ तक भी जनाब जी जिस समय अपना ग्रुप निज़ाम बनया तो उन्होंने जनाब जी अपने तासरात का अपने ख्याल का इजहार किया रहे। अल्लाह तला उन्होंने हिफ्ज़ो मान च रखे, अल्लाह तला दुनिया आखिर आखिरत कामयाब करे जनाब। अमर साहब बहुत अच्छे जनाब माशाल्लाह। जनाब अमर नज़ीर साहब माशाल्लाह जी बहुत अच्छे साढ़े ओपनर से। जब शुरू में क्रिकेट की साढ़े तकरीबन पहले दूसरे ओपनर से ते बड़ी अच्छी ओपनिंग करते थे। गालबन उदू भी ओवर का टेनिस बॉल का मैच होता से, टेनिस बॉल शुरू असं खेल देंगे सी। उदू तो वस्तु के ग्राउंड में भी ओवर का मैच से उन्होंने माशाल्लाह उत्थे पहली 50 सी बड़ी अच्छी तरह याद है। एक सलीम हुंदा सी ते एक ए हुंदे सी, ये दो साढ़े उदू ओपनर से सलीम मुगल। उस तो बाद काफ़ी टाइम तक टेनिस बॉल खेलते रहे हैं। तो यही माशाल्लाह ओपनर रहिंदे सी, आस्ता आस्ता स्लो स्लो सिंगल डबल सिंगल रो के काफ़ी टाइम तक विकेट तक खिलोंदे होंदे सी। ते उस तो बाद टेप बॉल आ गई, टेप बॉल भी खैर यही साडे ओपनर सी। ते उस तो बाद काफ़ी टाइम तक ये मतलब ओपनिंग करते रहे माशाल्लाह जी। बहुत अच्छे साडे ओपनर सी, फील्डर अच्छे सी, इंसान बहुत अच्छे, सब तो ज़्यादा जरूरी इंसान बहुत अच्छे जी, अखलाक मोहब्बत प्यार वाले जी। अल्लाह ताला ने खुश रखे जिथे जी जनाब। सलाम अलैकुम जी, सारे एसएससी मेंबर भरावों को बहुत बहुत सलाम है जी, सीनियर जूनियर सब नू जी। आज का दिन जी साढ़े तीन बड़े अच्छे प्लेयर का जी जबरदस्त जी। सब तो पहला जी अमर भाई साढ़े क्रिकेट शुरू कर तकरीबन असा शुरू की है तो इन्होंने एंड की अभी थोड़े कि मैच वेखे टेनिस बॉल न बड़े बातमाद ओपनर गिने जाते सन साढ़े और बड़े शफीक इंसान ने बड़े अदब नाल अखलाक नाल और अच्छे ही बंदे उन्हां जी गाइड करते हैं। बैटिंग असी इन्हां दी वेखी है उदू फिर ट्रेंड इस तरह का सी उस हिसाब नाल जबरदस्त खेलते सन जी। यानी कि एक एंड अपने उन्होंने सेफ तरीन एंड गिने जाता हूँ सी, बड़ी अच्छी बैटिंग करते सन। उन्होंने मैच भी देखने का थोड़ा ही सानू मौका मिले। ओवरऑल ऑल टाइम ग्रेट जी अमर भाई, बहुत अच्छे वेल डन। अज का साडा दिन है जी अमर नज़ीर साहब का, तो मैं शामी भी एक दफ़ा लगा सी इन्हां ते गल करन, बस कोई मसरूफियत इस तरह की बन गई नहीं टाइम दे सकिया। तो दोस्तों ने सारा दिन कमेंट्स किए ने जी, अमर भाई बहुत अच्छे प्लेयर जी। मैं इन्हां नाल क्रिकेट खेडी बहुत थोड़ी खेडी है, लेकिन साढ़े तो पहला ये हैदरी क्रिकेट क्लब के मुस्तकिल मैंबर रहे, अच्छे क्रिकेट खेडे ने, बहुत अच्छे इंसान ने। मेरा तो इन्हों का तलक है बहुत अच्छा जी, भाई ने साढ़े अजीज भी ने, भाई भी ने। जिस वक्त क्रिकेट शुरू की है मैं उस वक्त अमर भाई मैं शक पैंदी है कि उस वक्त क्रिकेट छोड़ गए सी, जाब कर रहे सी गुजरात विच, मेरा ख्याल है 94 या 93 विच ये गुजरात चले गए सी। उस तो बाद फिर दोबारा प्रॉपर टीम ने ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन बड़ी कंट्रीब्यूशन ने इन्हां दी। हैदरी क्रिकेट क्लब के फाउंडर जिहड़े मैंबर ने उन्हां विच इन्हां दे वड्डे भाई सूफी तारक साहब, वह जड़े ने कैप्टन होंगे सी और बहुत अच्छा टाइम गुजारिया इन्होंने साढ़े न।
अमन भाई जी जिस वक्त क्रिकेट खेडी है उस वक्त अगे शामी मैं सुन रहा सी दोस्तों की हाजी सिमरान साहब का इश्तियाक भाई का भी ओवर की क्रिकेट होंगी सी टेनिस बाल ने क्रिकेट खेडी इन्होंने उस वक्त और उस वक्त की रिक्वायरमेंट के हिसाब न विकेट तो स्टे करना होंगे सी तो फिर उस हिसाब न जी पुरानी टाइप के क्रिकेटर ने उस तरह के क्रिकेटर से सलाम अलैकुम तमाम दोस्तों भाइयों का बड़ा बड़ा शुक्रिया वाकई हाई साहब उस वक्त 25 ओवर तक असी खुद क्रिकेट खेडी है तो मैक्सिमम स्कोर जड़ा वो 70-80-90 स्कोर हुंदा सी उसे स्कोर ते उन्हूं चेस भी करीदा सी उन्हूं डिफेंड भी करीदा सी उसे ते फैसले हुंदे सी वाकई तां इतनी स्लो क्रिकेट हुंदी सी सिर्फ टेनिस तो ही टेप ते बाद विच आई तो अल्लाह का करम है अच्छी टीम रही है साड़ी सिंगल डबल साड़े नाम मलक बाबर साहब होंदे सी तो जिन्हां नूं कहा जांदा सी कि वो सिंगल दी मशीन है तो इस तरह बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा हूँ तो फास्ट तो फास्ट क्रिकेट आँदी आई उदों तुसीं देखना होना कि इंटरनेशनल लैवल से भी जिहड़ा 220-230 स्कोर मैक्सीमम हुंदा सी 50 ओवरां च तो हूँ तो 300 तो उत्ते स्कोर चला जाता फिर भी वालेकुम सलाम अमर भाई की हाल है ठीक ठाक हो बिल्कुल जी तुसीं सही दस्या और अमर साहब मैं वो क्रिकेट नहीं खेडी हैगी असी जो स्टार्ट की 16 ओवर बल्कि ज़्यादातर जी क्रिकेट खेडी है 12 ओवर की खेडी है और जिस दौर की तुम गल कर रहे हो वो असी बहुत घट मतलब देखा भी नहीं है 25 ओवर बड़ा टाइम होंदा सी इहदा मतलब तुम सारा दिन क्रिकेट खेडते सी तो और बाउंड्रीज मतलब है कि वह चौका छक्के का कोई नहीं सी प्रोग्राम होंदा या मतलब कि हिटिंग होंदी नहीं सी टेनिस विच क्योंकि अमर भाई टेनिस बाल नाल छिक्के दा तो मेरा ख्याल है कंसैप्ट ही कोई नहीं सी उस दौर च छिक्के तो टेप बाल नाल ही शुरू होए लगने टेनिस विच बहुत घट छिक्के जड़े सी ना मतलब तुसी ग्राउंड ग्राउंड दे नाल ही चौके ड्राइव्स वगैरह सिंगल डबल यही उस वक्त स्कोर करते सी छिक्किया वाला कंसैप्ट बहुत घट सी बिल्कुल हाई साहब छिक्किया वाला बड़ा घट सीगा जिहड़े ओपनर हो गए 1 डाउन 2 डाउन वो तो सिर्फ इनिंग्स ही सेव करते कि तो 25 ओवर भी खेले जान जिहड़े एंड वाले होंदे सी ओही छक्के लांदे सीगे ते वाकई तां जदों तुहानूं दस्सिया ना कि मैक्सीमम जिहड़ा स्कोर है वह आए हुंदा सीगा 70-80-90 स्कोर तो वह बमुश्किल आखिरी 2-3 ओवर छक्के चुके लगते होंगे सी साढ़े तो रियाज सी बड़ा अटैकर सी इश्तियाक ला लैंदा सी जमीर सी राणा नैयर सी ते इस तरह चलता रहा सन पहलवान होनी भी साढ़े ना बड़े अच्छे रहे ने तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया है राणे नदीम अब्बास का तो छुट्टियां दे दिन सी ते गर्मियां विच ते नहीं खेडिया जांदा इतनी गर्मी तो सुबह सुबह गए असी मैच खेलन वासू तो पहला ओवर सी वो साढ़े उस वक्त का डांस लीली सी तो पहला ओवर उन्हें शुरू किया तो जो ही अपना अंपायर को ला के बाल कराई है तो उन्हें पेट पकड़ लिया उसी सारे परेशान हो गए कि पेट च दर्द हो गई है तो सारे नज़दीक गए उनके नदीम की होया वो कहिंदा यार मेरा नाला टुट गया मैं टैट करके बनिया सी ते असी उन्हें फिर बाहर लै गए उसका नाला चल पवा के बड़े दिलचस्प वाकया होंदे सी बड़ी स्लो क्रिकेट होंदी सी वाकया सारा दिन ही क्रिकेट होंदी सी पूरी इनिंग जिहड़ी चंगी भली टाइम लै जांदी सीगी बिल्कुल अमर भाई तुसीं सही कहा अपना सवर भाई नाल भी क्रिकेट खेडी है तुसीं जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई क्या शाहिद भाई की हाल है ठीक हो जी शाहिद भाई बिल्कुल इस तरह उदों जिहड़ा ना जिस तरह अमर भाई दस रहे है कि शुरू बिल्कुल ओपनर 1 डाउन 2 डाउन स्लो स्लो सिंगल डबल रोक यानी कि 25 ओवर विकेट नहीं होंदे सी हुण ते आया ना बंदा पहली बाल ते 6 कट मारिया दिल च पहले तिना पहले ओवर च 2-3 छक्के कट मारे उदू पहले स्लो स्लो हो सकता पहला ओवर मैडल गुजर जाए यानी बहुत स्लो क्रिकेट होंदे सी उदू ते टेनिस बाल दा छक्का भी थोड़ा ना पहचाना औखा ही गल होंदे सी ते पता शुरू मतलब मारे ते फिर वो विकटां भी गिरदियां सी स्लो स्टिंगना डबलां करदे हिसाब दो आखिर ते 2-3-4 ओवर रह जाते सी ना तो उस तो बाद फिर थोड़ा मतलब छक्के चांस होंगे तो छक्के लग जाते ऐसा मसला नहीं है कि टेनिस बाल ने छक्के नहीं लगते टेनिस बाल ने भी छक्के लग जाते बिल्कुल लगते रहे छक्के
ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰ ਬਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਭਾਈ, ਵਾਲਕਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਰ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਪੇਸ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਟੇਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੇਸ ਉਹਦੀ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਲ 'ਤੇ ਬੁਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਬਾਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਟੇਪ ਬਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਓਰਡੀਨਰੀ ਟੈਨਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਅੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਵਿੰਗ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਲਰ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਪਾਪੀ ਆਪਣਾ, ਸੂਫੀ ਤਾਰਕ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿਆਗ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿੱਚ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਓਵਰ ਪਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਜ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਭਾਈ, ਅਮਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਬਾਲਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਿੰਗ ਟੇਪ ਬਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਟੈਨਿਸ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਲਿਸ਼ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 6 ਓਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕੋ ਕੀ ਸਟੈਲਿਸ਼ ਵੇਖੋਗੇ 36 ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ, ਆਫ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੇਜ ਵੀ ਬਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਰਕਰ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਬਾਲ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੇਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਆਫ ਸਟੰਪ 'ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਗ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਗ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਫ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੈਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਖੇਲੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਮਿਡਲ ਤੋਂ 6 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੇਪ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਪੈਕ ਸਨੇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਪੈ ਕੇ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਬਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਬੈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਗੇ ਤੋਂ ਕੈਚ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਲੈਜੈਂਡ ਖਿਲਾੜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਖੇਲੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੋੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਰ ਬਾਬਰ ਮਲਕ ਸਨ ਗਾਲਬਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਟੈਲਿਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਸੱਵਰ ਵੜੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਮਾਲੀ ਚੱਕ, ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਸੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸੀਮ ਹਮਾਇਓਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਹਮਾਇਓਂ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵੀ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ 2-3 ਕਦਮ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਦੀ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਈਡ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛੇ ਬਾਲਰ ਸੀ ਉਹ।
मैं तो जनाब अगे भी कहा कि टैनिस बॉल से बॉलिंग टाइट हो रन बनाना बहुत मुश्किल होंगे। ये अमर भाई खेल रहे ने, खेले ने बहुत अरसा, वो बेहतर तरीके दसणगे कि जस्ट मैं तो बहुत अच्छे दो क्लबों ने मैच देखे, यकीन करो उन्होंने ना फस्ट खेलते हो 42 रन बनाए 10 ओवर च। मैं ना बस दूसरी साइड बहुत अच्छी उन्हें एड्डी टाइट मार्किंग की कि अगर हिट करन तो आउट हो जाए, कैच आउट सिंगल उन्होंने बना, वो यानी कि टोटल 36 रन कर सके। वो मैं तो कहना कि टेनिस बॉल जी है वो बहुत अच्छी, बड़ी कमदेमली और बड़ी सबर न सिंगल डबल ही तो दल असल वो काम से असं अमर भाई रू देखते रहते सर सिंगल डबल आर्ट मास्टर सन, असल यही तो गेम से हो। हाई साहब साढ़े च राणा जाहिर साहब सन, वो बहुत अच्छे बैट्समैन से, उन्होंने बाहर टीम वाले भी हायर करके लैके जाते हैं, इस तरह नहीं मैं उस दौर की प्रोडक्शन है तो अच्छे बैट्समैन रहे हैं। वाकितन के प्लेयर अच्छा बैट्समैन अच्छा बॉलर टैनिस नाले बनता है, कुछ सबर भी आता है, सुकून भी आता है, बाल नू देख के खेलने का हालियत भी आती है। तो तुम जिते कहते हो ना कि उस दौर सिर्फ मैच ही मैच होंगे, सी यकीन करो कि उस दौर च बंदे मैच देखने आते सी, अज के दौर नालों उस दौर च ज़्यादा तमाशाई होंगे सी, असी बड़ी बड़ी दूर तक मैच खेड गए हैं 20-25 ओवर का, वाकितन आवाम देख आती सी। असल चा उस दौर च वक्त हों लोगों को, हूँ वक्त को नहीं लोगों को, हूँ वो कहें 6 ओवर का हो, 3 ओवर का हो, जल्दी मैच फारग हो तो जल्दी जाए। उस दौर च लोगों को वक्त आता सी, वो वाकितन मैच देख आते सके। साढ़े भाई इश्तियाक साहब न शायद याद हो कि असी एक दफा पुलों से साड़ा मैच होया सी, असी राणा शहजाद को वीडियो बनवाई सी, तो मे बी इन्हों को हो मिसप्लेस हो गई होवे, तो वो तुम देख सकते हो कि किन्ने तमाशा ही आते थे, तो मैंबर गुलजार साहब होंगे सके, वो मेरा ख्याल उस मैच के साडे है सी अपना मेहमान खसूसी। अमर भाई तुम जिस टूरनामेंट की गल कर रहे हो शायद असं भी देखी आई है, उस वक्त हाजी है इमरान साहब बहुत लंबे लंबे छक्के मार रहे तो नहर जाते थे, असी उस मचोर नहीं आया तो असं इन हाजी नहर ही कहन लग गए, ना ही रख लिया हाजी नहर। उस टूरनामेंट की पहले काफ़ी डिबेट हो चुकी है और वो इश्तियाक भाई ने दसिया उन्होंने को वीडियो पई है, पर VCR किसी को नहीं है तो वह उन्होंने को महफूज है, पर वो तो VCR होएगा तो फिर ही कोई कन्वर्ट शायद हो सके, तो वो फाइनल का यानी कि सारे दसिया से हार गए से, यानी कि उस भी उसने देखा है वो टूरनामेंट काफ़ी अच्छी तरह याद है। वो जी जी अमर भाई बिल्कुल इस तरह ही है, उदों टेप बाल थी, टेप बाल का मैच ही गालबन 96 की गल है या 97 की गल है, इत करके ही है, बिल्कुल वीडियो बनाई सी शहजाद ने ते वो बिल्कुल मेरे को पई है, मैं अगले दिन मैं जिक्र किया वो मूवी पई है मेरे को VCR की, जी कैसेट से वो पई है गालबन हाले भी पई होनी मेरे ख्याल, मैं देखी थी लेकिन पई होनी है, तो बिल्कुल उदू मूवी बनी सी जी, वो बहुत तमाशे से इस तरह की गल है जी, बिल्कुल कोई शक नहीं, वो तो बल्कि काफ़ी पहले इस बाद जिक्र हों उस मैच का टूरनामेंट का ना, तो हूँ मैं ख्याल थोड़े दिन तू मैं ख्याल आए हैं तो वह पहले जिक्र हो चुके, काफ़ी जिक्र हो इस तरह की गल है अमर भाई। जिस तरह अमर भाई पहले जिक्र कर गए है कि 200 स्कोर 220 स्कोर हद 230 तक 250 तक हद स्कोर जाता सी, 300 स्कोर हो वो कहते सी अगली टीम चेज नहीं कर देंगे, तो अजकल जो मतलब 300, 350, 350, 350 तक यह स्कोर जाता पाया, मतलब उदों भी हार्ड बॉल सी अज भी हार्ड बॉल है लेकिन फर्क आ गया ना अगू, उदू पहले 10 ओवर च तकरीबन हार्ड बॉल का जोड़ा स्कोर हों तकरीबन हों 35-40 इतने तक तकरीबन, तो हूँ 10 ओवर 100 स्कोर 90 स्कोर 100 स्कोर होया हों अजकल क्रिकेट में। इश्तियाक भैया तुहानू याद होना कि आ जिहड़ा 10 ओवरां च मैक्सीमम स्कोर करने की रवायत जयसूरिया ने श्रीलंका वाले ने डाली सी, जिहदा बल्ला बार बार चैक करते सीगे इहदे च कोई किहड़ी चीज़ है स्ट्रोक इतने लाँदा सी, तुहानू याद होना, उहदे बाद फिर सो चल हर टीम ने बड़े बड़े स्ट्राइकर रख ले 10 ओवरां वास्ते, 80-90 तो घट जिहदा स्कोर होवे तो वह कहिंदे स्कोर ही कोई नहीं 10 ओवरां च। मैं पहले अपने प्यारे दोस्त चोरी अमनजीत साहब का जिक्र करांगा जी, असी जी इन्हां नाल बचपन तो क्रिकेट खेली है, ये उस वक्त खेल रहे होंगे सी ते असी इन्हां नाल इन्हां ज्वाइन किया और फिर बहुत लंबी इन्हां नाल असी क्रिकेट खेली है, मैं अमर भाई ने भी जिक्र कर गए तो मैं 25 ओवर की क्रिकेट शुरू की सी,
25 ओवर दे मैच टेनिस बॉल दे मैचा तो मैं इन्हां दे वाले बड़े भाई तारक नज़ीर साहब उन्हां दी कप्तानी दे विच मैं खेलना शुरू किया। बहुत सारिया यादा ने टेनिस बॉल दे मैचा दियाँ जिदे विच साडा पिंड वाला ग्राउंड नहर वाला ग्राउंड फिर बाद च आया फिर उस तो बाद मुंशी महल्ले दा ग्राउंड सूए वाला ये तीन ग्राउंडा विच बहुत ज़्यादा क्रिकेट असी उस टेनिस बॉल बहुत ज़्यादा खेली है जी। बिल्कुल अमर भाई बिल्कुल इस तरह ही है कोई शक नहीं जी। सूर्या तो बल्ला बहुत चलिया सी उदू जी तेज़ जो क्रिकेट चली जी सूर्या तो बल्ला बहुत चलिया सी उदू इस तरह गल है जी। बिल्कुल अमर भाई कमलजीत साहब की बात है जी साढ़े बहुत ही प्यारे दोस्त वैल एजुकेटेड और बहुत ही प्यारे दोस्त और क्रिकेट इन्हां दी दा जिक्र करिए तो जिस वक्त इन्हों असी देखिया खेलद हैसीयत ओपनर एच सी सी दे विच जेन चांदा और ओपनिंग ही हर दफ़ा इन्हों की कोई ऐसी इनिंग्स नहीं नज़र आती कि जी इन्होंने ओपन तो बगैर कोई खेली हो। भाई दे मैं उपर कमेंट्स सुने हैं बिल्कुल इसी तरह है कि जी 25 ओवर के मैच के असी 25 ओवर के मैच की जिक्र कर रहे हैं 16 ओवर के मैच की भी एक गल दसना मैं चाहवागा और मेरे सीनियर भी इसकी तइद करेंगे कि वो भी आमर साहब ने भी खेली है टेप बॉल 16 ओवर की भी और इन्हों याद होना कि आमर साहब या नसीम या राणा मुर्तजा ये ओपन करते तो इन्हों यही हों दसीदा सी कि तुसी 8 to 10 ओवर तक विकट नहीं देनी और स्कोर बाद च बन जाएगा तुसी विकट नहीं देनी स्कोर तो हर ओवर च 2-3 बनता ठीक है तो तुसी विकट नहीं देनी। उस वक्त क्रिकेट का माहौल ही ऐसी टेनिस बॉल खेलनी आसान नहीं है अज बच्चों खिलाओ तो बहुत मुश्किल होएगी इस समझ के और देख सोच के बैट्समैन खेलता सी बॉल बहुत बहुत 2-2 फुट स्विंग करता सी और बड़ी मुश्किल हिट मारनी ये नहीं कि हिट नहीं सी वजती लेकिन हिट मारनी बहुत मुश्किल होंगी सी अच्छे बॉलर के खिलाफ क्योंकि बॉल ग्रिप बड़ी अच्छी होंगी सी टेनिस बॉल की और मूवमेंट बहुत ज़्यादा होंगी सी और फास्ट बॉलर भी इस बहुत आसानी ना टर्न करते विच बाल टू बाल खेलना यही मन ही रखता सी कि विकट ना जाए स्कोर तुसी हर ओवर च जितना मैक्सिमम है कोशिश करो लेकिन विकट नहीं जानी चाहिए मेन जो होंदा सी कि विकट ना जाए विकट स्कोर आखिर ते बन जाएगा। या बहुत सारिया निंगजा याद है जी टेनिस बॉल दियाँ खसूसन मैं जिक्र करांगा कि साढ़े सीनियर मोस्ट प्लेयर HCC दे गुजरे है कि ग्राउंड दे विच लेंदे वाली साइड ते पिच हुंदी सी और चढ़दे वाली साइड ते बॉलिंग एंड हुंदा सी और ये बहुत ही अच्छा लैग ते टेनिस बॉल दे हुक मारदे हुंदे शॉट मारदे हुंदे सी अमर भाई तईद करनगे मैनूं अच्छी तरह याद है खाले तो पार गेंद करनी बड़ी मन रखी हुंदी सी 6 रन वास्ते ते शुरू शुरू च काफ़ी बेहतरीन ओपन आके ते लैग साइड ते काफ़ी शॉट्स खेलते सीगे। अमर भाई दे नाल जी बहुत सारिया यादा साड़ियाँ साढ़े दोस्त है साढ़े हर किस्म दे असी हर एक किस्म दी एक्टिविटी च इकट्ठे शामिल रहे हैं और सलाह मशवरा और हैदरी क्रिकेट दी हर एक मीटिंग दे विच इन्हां दा अहम रोल हुंदा सीगा साड़ी हर किस्म दा जदों तक ये क्रिकेट हैदरी क्रिकेट विच खेले है उदों तक इन्हां दा मुकम्मल रोल क्रिकेट विच साड़ी हैदरी क्रिकेट क्लब विच मुकम्मल रोल हुंदा सी इन्हां दा बसीयत एक प्लेयर दे बसीयत एक जिम्मेदार प्लेयर दे इन्हां दा रोल हर शुबे च नुमाया हुंदा सीगा। उस वक्त अमर भाई हुणी क्रिकेट खेल रहे सी इन्हां दे नाल भी बहुत आला पाए दे प्लेयर इन्हां नाल खेल रहे सीगे जिन्हां च मलक बाबर राणा जाहद राणा जमीर नदीम अब्बास ये साढ़े तो सीनियर है नदीम हमायों इन्हां दे बड़े भाई चो सुवी तारक साहब डॉक्टर शाहद राणा वसीम होर भी दोस्त होणगे जिहड़े इस वक्त जहन च नहीं ना आ रहे लेकिन उस वक्त भी ये भी ग्रुप जिहड़ी ये टीम जिन्हां विच अमर भाई खेल रहे सी क्लास की टीम सी वह मैनूं अच्छी तरह याद है कि बेहतरीन उदों मैच खेले जाते होंदे सी अपने पिंड वाले ग्राउंड अमर भाई बेशक जो सूरीए का बल्ला चलिया जी ये कोई डाउट नहीं लेकिन जिहड़ी जिहड़ी प्रॉपर बैटिंग है ना जी अगर तुसी लास्ट पाकिस्तान टीम का टूर देखा हो ना साउथ अफ्रीका उदे एक मैच 2020 का मेरा ख्याल है मैच है उदे च बाबर आजम ने ना कोई
16 17 चौके मारे ने एक इनिंग्स विच। अगर तुसी कभी सर्च करके देखो ना पाकिस्तान का टूर साउथ अफ्रीका जड़ा जड़ा लास्ट होया और तुसी उदे देखो कि उदी क्लास की है यार। मतलब असी कहने विराट बहुत वड्डा बैट्समैन है लेकिन मैं कहना कि बाबर आजम तो वड्डा बैट्समैन कोई भी नहीं इस वक्त। अमर साहब उन्हें जितने चौके मारे ने उन्होंने हवा च चौका कोई नहीं सी। टोटल चौके उन्हें जमीन नाल ड्राइव्स मारे ने कट मारिया ने ड्राइव्स मारे ने कट मारिया ने स्टेट ड्राइव किए ने। अज भी अगर कोई प्रॉपर बैट्समैन खेडता तो वह खूबसूरत लगता अगर वो जमीन ना रख के खेडता और वह स्ट्राइक रेट भी 150-200। अफरीदी का भी इन्ना स्ट्राइक रेट नहीं होना जिन्ना बाबर आजम का। यदा मतलब है कि थोड़ी बेसक अच्छी है तो तुम खिलाड़ी हो। अफरीदी बाबर आजम के अशर अशीर भी नहीं है एज ए बैट्समैन। बेशक वो बड़ी कंट्रीब्यूशन है उन्हें मतलब बॉलिंग भी करते रहे छक्के भी मारता रहा मैच भी जिताए ने लेकिन अगर क्रिकेटर की सीहत नाल देखा जाए तो पाकिस्तान ने अगर पिछले 20 साल तक अगर कोई क्रिकेटर बैट्समैन प्रोड्यूस किया तो बाबर आजम ही है। बाद किले टेबल शुरू हुई है पहले 25 ओवर दे सी फिर 18 ओवर जो है फिर 16 ओवर बहुत लांग चलिया 16 ओवर खास तौर पर। तो अमर भाई ने 16 ओवर भी बहुत लांग साढ़े ना क्रिकेट खेली है। यकीन करो कि साडा ग्रुप जिहड़ा बाद च इन्हां दे नाल जॉइन जिन्होंने किया उन्हां विच रियाज सी इश्तियाक सी मैं सी नईम सी तसवर इकबाल बड़ाई सी अरशद अपना अरशद सीगा हाजी इमरान सी काफ़ी सारे लड़के जिन्होंने इन्हों ज्वाइन किया और इन्होंने साढ़े नाल बहुत अरसा टेबाल की क्रिकेट भी बहुत खेली और बसीयत एक ओपनिंग दे हमेशा ये बेहतरीन खेले और प्लेसमेंट सिंगल दो इस तरह बहुत स्कोर नू बड़े अच्छे तरीके नाल लेंदे सी और खेलते रहे। आज बड़ी खुशी हो रही है कि साढ़े मोस्ट ऐसे प्लेयर का जिक्र आया जिन्होंने साढ़े साढ़े नाल और एच सी सी दे विच लॉन्ग क्रिकेट खेली उन्होंने विच अमर नज़ीर साहब भी बहुत नुमाया रहे और सबर इकबाल बड़ाई साहब भी इन्हों का भी आज जिक्र है। इन्होंने भी बहुत मेहनत की और एच सी सी दे नाल बहुत लंबा खेले और इन्हों की कारकरदगी भी दोनों साढ़े वीर बहुत ज़्यादा है। तीसरे जिहड़े अफजाल मेहदी साहब ने इन्हों बारे भी है कि यह भी एक बहुत लॉन्ग क्रिकेट साढ़ा तो हूँ तक मेरा ख्याल है कि मौजूद है तो अज भी क्रिकेट शुरू होए तो अफजाल ग्राउंड च होएगा इंशाल्लाह। और अमर भाई के बारे च है जी मैं इन्होंने ट्रिब्यूट पेश करना जी और बहुत ज़्यादा खुशी का भी अज इजहार इस तो हो रहा कि साडा एक बहुत पुराना और खूबसूरत दोस्त साडा अज इस मौजूद इस एच सी सी दे क्रिकेट के मौजूद में आया। तो जोड़े नए लोग है नए बच्चे है जिन्होंने नहीं इन्हों बारे इलम वो भी जान गए हैं और इंशाल्लाह कभी ग्राउंड इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह अमर भाई आएंगे और देखेंगे सारे दुनिया देखेगी ग्राउंड में कि बहुत ही कमाल दे साढ़े बहसीयत एक ओपनर बेहतरीन इंसान साढ़े एच सी सी दे विच इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। अल्लाह ताला इन्हों खुश शुक्रम रखे तो हमेशा साढ़े नाल इस तरह चलन। तीनों शख्सियात ने काफ़ी टीम साड़ी क्रिकेट दे विच लंबा अरसा खेलिया हैदरी क्रिकेट क्लब दे विच एक लंबा अरसा खेलिया और अपनी खिदमत अंजाम दित्तियां। तो अज असी अपने इस ग्रुप के जितने भी मैंबरान है असी उन्होंने अज उन्हों की खिदमात के सिलसिले से सलाम पेश करने और दुआ करने हैं कि अपने अपने घर वे खुश रहन और हर मुसीबत तकलीफ तो अल्लाह ताला इन्होंने दूर रखे आमीन जी। ऐसा वाकया ना बच्चों का बड़ा एकदम काबले तहसीन है कि जिन्होंने सानू बिछड़िया उन्होंने मिला छड़िया इतनिया पुरानिया यादा एक दूसरे की आवाज़ सुनते असी तो वरना मुमकिन को नहीं सगा कि असी ना उन्हों को टाइम ना साढ़े को टाइम। हालांकि पिंड जाके भी आ इमरान हाजी इमरान या दूसरे जोड़े तेरे दोस्त है उन्होंने मिलने का टाइम को नहीं होंगे कभी असी अरशद पटवारी नहीं गए तो लेकिन इतने है कि बड़ी गल है कि असी वन टू वन एक किस्म की मुलाकात कर लेंगे एक दूसरे के कमेंट सुन सकते हैं तो सबर साहब की आवाज़ सुन ली बड़े अरसे बाद बहुत अरसे बाद। अमर भाई इंशाल्लाह हुण तुसीं जिस वक्त ग्राउंड च व्याहोगे या पिंड माली च जाते हो या किधर आमना सामना होएगा तो तुसीं इंशाल्लाह हुण किसी ना किसी मिल के जाओगे क्योंकि हुण तुसीं दोबारा एक दफा सारे नाल टच हो गए हो
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਕਫਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਚੱਕ ਸਮਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਵਸੀ ਭਾਈ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਫਖਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਤਜ਼ੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਓਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ ਦੋ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜੀ ਓਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 70-80 ਸਕੋਰ ਬੜਾ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 25 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਕਾ ਮਧਾਣੀ, ਖਾਸ ਮਾਮਾ ਅਫਜ਼ਲ ਕਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਬਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿੱਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਚ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੈਸੀ ਪਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਓਪਨਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਜ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਬੈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।